ई बताओ की भेले केना बचेलिए बच्चा के ये बच्चा के बचेलिए बाबू बाबू की भ गेलै ये हम कह छी के बाबू हमर केना बच के आत बाबा के कह छी रोना माई के कह छी कहलिए रोना माई के हे रोना माई निक निक आत बच्चा सब तो हम सब देखबै बाबू के सबके देखिए कारी माता घर के देवता सब सबके देखिए हमर बच्चा सबके तो दरभंगा के मझोलिया गांव में मौजूद हैं और यहां पहुंच गए हैं जो अर्जुन पंडित हैं उनके जो पोता खासकर यहां देख सकते हैं इनको पिंटू पंडित इनका नाम है। ये सकुशल बचकर आ गए हैं ट्रेन एक्सीडेंट से, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ट्रेन एक्सीडेंट अपने आप में समझ सकते हैं दो, खासकर जो लोग इसको कल्पना करते होंगे वो काफ़ी उनका रूह कांप जाता होगा। ऐसे में पिंटू पंडित से जानते हैं कि आखिरकार जी पंडित बताएं कि क्या स्थिति था जब आपको मतलब उस समय में जब एक्सीडेंट हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ था सर तो मैं बाहर निकला तो मैं देखा हूँ तो ये आग लगा था बॉगी में। उसके बाद मैं जब आग लगा था तो मैं सब कुछ मतलब अपना बैग जो भी है मैं फेंक दिया बाहर और उसके बाद जो है मैं कूद गया। जब देखें कि बहुत मेरा स्लीपर में था S6 में था वो, मैं जब देखा बहुत गंभीर है तो मैं कूद गया। कितना नंबर सीट था आपका? वो 56 नंबर सीट था मेरा, S6 में 56 नंबर था। तो शीशा भी तोड़ कर जो निकालना पड़ा था, शीशा में भी आप लोग फंसे हुए थे? नहीं, शीशा में नहीं था, मेरा स्लीपर में था। मैं वो स्लीपर से वो निकल के मैं कूद के भाग गया। स्लीपर में आप निकल गए तो वहाँ पर आग लग गया था? आग लग गया था, वो 3-4 बोगी का वो डैमेज बता रहा था। वो मतलब जिंदगी और मौत के बीच आप लोग खड़े थे तो खड़े, बहुत डर लग रहा था सर। क्या हो रहा था? चारों बगल साइड से बच नहीं पाएंगे। साइड में पानी था। हाँ। पानी की वजह से हम लोग भी मतलब जो है वहाँ से भागते मतलब स्टेशन पर आए। स्टेशन पर वो जो आते हुए मेरे को देखा तो वहाँ राहत मिला, वहाँ पब्लिक लोग जितना था वहाँ का मेरे को सुरक्षा दिया। एक्सीडेंट हुआ तो कैसा आवाज किया? एक्सीडेंट हुआ तो कुछ नहीं, वो झटका जैसे लग रहा है कि जैसे कोई अचानक इतना जोर से ब्रेक बता रहा था कि 109 के स्पीड में ट्रेन एक्सीडेंट। हाँ, वो 109 के स्पीड में मतलब वो था तो उसको जो है वो उस समय में हम ट्रेन जब एक्सीडेंट हुआ तब की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे उस समय में? उस समय मैं खाना खा के और मम्मी से बात कर रहे थे। मम्मी से बात कर रहे थे? क्यों, शादी नहीं हुआ है? शादी हुआ है। मम्मी से बात कर रहे थे। मेरा मम्मी से आशीर्वाद लिए, मतलब सबका सब जो है माँ का ही आशीर्वाद लेकर के बचा है, समझ सकते हैं। एक तो नवरात्रि का समय चल रहा है। कहाँ आ रहे थे मैसूर से? मैसूर से वो दरभंगा आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? वो त्योहार में आए थे। कौन सा त्योहार? वो दीपावली छठ पूजा सब सोच करके सोच के आ रहे थे। वहीं पर मजदूरी करते हैं? हाँ, वहीं पर मजदूरी कर रहे थे। सोचे हैं कि कब कैसे बचकर आ गए ट्रेन से? कभी सोचे थे कि ट्रेन में लोग बचता नहीं है मगर फिर भी भगवान ने पता नहीं क्या हो गया वो अचानक हम लोग को बचा लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंटू कुमार पंडित हुआ। की कहा चाहिए छे बेटा के लिए? ये बताएं कि जो पतिदेव का हो गया था घटना ट्रेन में, क्या स्थिति था आप लोगों का उस समय में? जैसे ही फोन आया तो क्या स्थिति हो गया आपको? की हो गया? डर हो गया था जब हमारा पति को कैसे आएगा, अगर हमारा पति को कुछ हो जाएगा तो हमारा मांग के सिंदूर हो जाएगा, एक बच्चा है उसको कौन देखेगा, हमको कौन देखेगा, कैसे जिएंगे, मतलब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब चिंता हो गया था, ये सब टेंशन हो गया था। कितने बजे रात में फोन आया था आपको? एक ही तो बच्चा। कितने बजे रात में फोन आया था आपको? 8:00 बजे आया था। आपके नंबर पर जी? कौन फोन किया था? हमारा मतलब दूसरा आदमी फोन किया था, हमारा पति ने फोन किया था। अच्छा, टेंशन के लिए कि ऐसा घटना हो गया, ऐसी घटना हो गया। तो फिर क्या आप बेहोश होकर गिर गए थे? जी, मेला। कहाँ गिरे? मतलब मेला में गिर गए थे? मेला में टेंशन हो गया, कानने लगे तो सब आदमी। कहाँ, कौन मेला में गए थे आप? दरभंगा मेला गए थे, श्यामा मंदिर। अच्छा, पूरा परिवार के साथ? जी। अच्छा, तो उस समय में आप गिर गए वहाँ? गिर गए वहाँ। सब लोग उठाया आपको? सब लोग उठाया हमको, बोले जी चलो चलिए घर पे स्थिर से, टेंशन मत लीजिए। तो हम सोचे हमारा पति को कैसे हो गया, ऐसे कैसे आएगा। तो माता रानी को क्या बोले वहाँ पे दुर्गा मंदिर में जब गए थे? बोले काली माँ की, काली माँ हमारा पति बच के आ जाएगा ना तो हम खोइछा भरेंगे। बोले हैं सब? सब भगवान से सब मना किए, मतलब भगवान को मनाए हैं सबको? जी, भगवान को हम बोले। तो आज पति देव आ गए हैं, बगल में रहते हैं, ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लगता है, मन भी लगता है। अभी जाने नहीं देंगे उनको? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती कुमारी। कर रहे हैं आप लोग, माला पहना रहे बच्चा को? ये बच्चा जो है बेंगलोर में रहता है,
ठीक है, तो दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में वहाँ से छुट्टी लेके गाँव आए छठ पूजा दुर्गा पूजा दीपावली मनाने के लिए। इस बीच में क्या हुआ, जो बागमती स्पीड है जो मैसूर से जो है दरभंगा आती है, ये बीच में कहीं दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में 2-3 बॉगी जो है उसमें आग लग गया, उसमें ये भी बच्चा भी था, अर्जुन पंडित का पोता है पिंटू नाम है इसका, पिंटू पंडित नाम है, उसमें आ रहा था। इन्होंने दुर्भाग्य से भगवान की कृपा से इन्होंने वहाँ से बच के आया है, चमत्कार हुआ है, क्योंकि नहीं तो इस गांव का एक लाल जो है गुजर जाता, घर का चिराग बुझ जाता, जिस कारण जो है हम लोग इनको बधाई दिए हैं, भगवान को बधाई दे रहे हैं, इनका ज़िंदगी आगे बढ़े और खुशकिस्मत इनके परिवार के हो। इनमें जो है आपके और जो उस बागमती ट्रेन से हमारे गांव के 3 बच्चे और आ रहे थे, जिसमें जो है सुशील, कृष्णा और पिंटू थे, तीनों बच्चे आ रहे थे, तीनों भगवान की कृपा से जो है बाल बाल बच्चे हैं, पर भगवान का शुक्र मनाना चाहिए और भगवान के इस गांव के तीनों लाल को जो है सुरक्षित गांव भेज दिया। ये तो भगवान कुछ चमत्कार हुआ है, जिसमें ट्रेन में एक्सीडेंट में जो है किसको खरोच भी नहीं आया है, शरीर में खरोच भी नहीं है, और तीनों का तीनों जो है सुरक्षित अपने घर पे अपने परिवार के पास सुरक्षित आए हैं। और छठ पूजा दीपावली तो मान के चलिए मनाएंगे, छठ पूजा मनाएंगे, छठ मैया का कृपा है, इन्होंने बाल बाल बच के यहाँ से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है दीपक कुमार है नाम।